ऑलराइट गाइस, सो राइट नाउ इट्स मॉर्निंग 6 AM एंड इसी मॉर्निंग में मैं अपनी बाइक क्यों क्लीन कर रहा हूँ, बिकॉज टुडे इज अ संडे और हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट संडे राइड पर। एंड ये मेरी पहली राइड होने वाली है अपने कैफे रेसर पर, जो आउट ऑफ द टाउन होने वाली है। एंड ऑल्सो हम जिस लोकेशन पर जा रहे हैं वो टूवर्ड्स वन साइड से 65 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो हमें एक दिन में डिस्टेंस कवर करना है 130 किलोमीटर्स। तो कैफे रेसर जैसी एग्रेसिव पुशर वाली बाइक पे 130 किलोमीटर्स में फर्स्ट टाइम करने वाला, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऑल्सो हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो सीधा मिलता है आपसे मोड़ ब्लॉग पर, लेट्स गो। ऑलराइट एवरीवन, सो योर मोटो ब्लॉग वाज बैक विद अनदर न्यू वीडियो। एंड ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट ऑफिशियल पहली ट्रिप पर। तो बहुत लंबा रूट नहीं जाएंगे, शॉर्ट में ही, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये सोलो ट्रिप नहीं होने वाली है, हम दो लोग जो जाने वाले थे, अब हो गए 2 से 3। तो मिलवाता वो अपने भाई लोगों से, तो वो सामने खड़े एकदम, लेट्स गो। ऑलराइट, सो अभी चलते हैं, कुछ पहले खाते पीते हैं, भाई खा के गए हैं घर से कुछ और मुझे भी भूख लगी है अभी। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 8:24। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा चाय कॉफ़ी पीते, मुझे फ्यूल अप करवाना है एंड फिर निकलेंगे सीधा अपने ट्रिप की तरफ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, स्टे ट्यून्ड विद योर मोटो व्लॉगी गाइस। ऑलराइट, सो फ्यूल अप डन, अभी कुछ ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करते एंड चेन लूप कर रखी है, तो मैं भी थोड़ा एक्सेस ऑयल अभी भी बचा हुआ है चेन पे, तो चेन से थोड़ा सा ऑयल ड्रेन हो रहा है, चेक किया मैंने अभी। एंड अपने सिजार की अभी ऑयल चेंज भी हो रखा है, तो जितने भी सर्विस चेक पॉइंट थे हमने क्लियर कर दिए, तो अभी एकदम मक्खन चलेगी अपनी गाड़ी। बस वो चेन लूप जो कर रखा है उसका थोड़ा सा सीन सही हो जाए, तो जो थोड़ा बहुत ऑयल टपक रहा है उसको भी सॉर्टेड हो जाएगा वो सीन। ऑलराइट, सो अभी कुछ खाने रुकते हैं यहाँ पर, ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय वाय पीते हैं एंड आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से आके। ऑलराइट गाइस, सो जो पहला ऑफिशियल ब्रेक था वो अपना ख़त्म हो चुका है एंड अभी खड़े इंदिरा सर्कल पर, सामने जो है वो टी एंड ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट हो चुका है एंड अभी कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रिप को। सो सीधा अभी हाईवे पे मिलता है और अपने साथ है अपने PC ब्लॉग्स, तो भाई के जो चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन से सबसे ऊपर मिल जाएगा, और ये अपना है लॉन्ग रनर गोल्ड मेडलिस्ट। तो अभी चलते हैं अपने चारों, हम तीन और आप साथ में, एंड डिसकंटिन्यू करते हैं स्ट्रीट को, लेट्स गो। अब एकदम प्रोफेशनल शूट चल रहा है भाई आगे, तो और हम कर रहे हैं अपने एक्शन कैमरे से रिकॉर्डिंग को और खुद को भी।
तो रोड काफी यहाँ पतली है ना, ऐसे ऐसे प्लेन सी रोड नहीं जैसे हाईवे से होती है, इसलिए यहाँ थोड़ी सी मतलब वो एक तरफ झुक जा रही दूसरी तरफ झुक जा रही, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा है। ऑल्सो कोई यहाँ पे डिवाइडर्स नहीं है बीच में, दोनों तरफ से मतलब खुला रोड, अगर आपने कंट्रोल खोया तो आप भी गए और सामने वाला भी बूम। तो मेक श्योर आप किसी ऐसे रोड पे अगर ड्राइव कर रहे हो तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर ड्राइव करो गाइस, एंड छोटी सी गलती एंड काफ़ी बड़ा हार्म हो सकता है। तो मेक श्योर ऑलवेज ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर राइडिंग गियर्स, ऑल द सेफ्टी गियर्स, ऑल्सो वेयर द हेलमेट। हेलमेट सिर्फ शो के लिए नहीं होता गाइस, हेलमेट सेफ्टी के लिए भी होता है। ऑलवेज वेयर हेलमेट, ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल विथ व्हीकल। तो बहुत ध्यान दे दिया, अभी थोड़े रास्ते इंजॉय करो। ये रोड भी है कि नहीं, और वेयर इज वाटर, पानी किधर है, पानी सूखा हुआ है। नहीं अभी पहुंचे नहीं, एंड फाइनली वी रीच 60 किलोमीटर्स एंड अवर लोकेशन। तो अभी मैं भी थोड़ी सी अनस्टेबल फुटेज आ रही होगी क्योंकि भाई थोड़ा सा यहाँ पे रोड है ही नहीं, यहाँ बस प्लेन जगह है। चलो अच्छा है, मतलब वही बीच वाली वाइब आ गई है इसे। तो अभी कहीं पार्किंग की जगह ढूंढते हैं, एंड लुक इट दैट, आई होप यार ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो, बहुत सही बहुत सही। आगे तो और आपको दिखाएंगे, अभी तो ड्रोन शॉट भी है, कैमरा शॉट भी है, इंजॉय करो गाइस इंजॉय। अभी पहले पार्किंग ढूंढते हैं, सबसे पहले तो ऊपर की तरफ है तो बोलते भाई ऊपर कर दे, ऊपर की साइड कर देते। ऑलराइट, सो अभी एक मिनट हेलमेट पकड़ लेते हैं पीसी का, एंड लुक एट द विंड। सो मे बी विंड की वजह से थोड़ा सा विंड नॉइस आ सकता है, लेकिन पानी काफ़ी नीचे तक उतरा हुआ है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी का इशू, बट सैंड इज सैंड। पहले तो अपने बैग एंड हेलमेट्स को एक सेफ जगह स्टे कर देंगे जहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर फोन एक्चुअली हेलमेट पे मेरा सेटअप लगा हुआ है, सो एक अच्छी सी जगह पे पहले हेलमेट को रखना पड़ेगा। एंड मॉनसून के टाइम पर ये जितनी भी सैंड दिख रही है ना, उस वहाँ पूरा पानी होता है, एंड मैन उस टाइम देखने में जो मज़ा आएगा ना, बहुत काफ़ी मज़ा आने वाला है उस टाइम पर। मतलब फिर हम यहाँ आएंगे मॉनसून में, एंड आई होप सो कि उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा पानी मिले। अभी तो एकदम वो डेजर्ट वाली फीलिंग आ रही है, मतलब सैंड देख लो वाला सैंड, लुक इट दिस सैंड। ओए पैरों में चली गई भाई, अपना व्लॉग कर रहे हैं, एंड सैंड इतनी गहरी है कि पैर पूरे अंदर तक जा रहे हैं, की वजह से बहुत ज़्यादा जो सरफेस है वाटर का वो पीछे की तरफ चला गया है, लेकिन ये जो सारी रेत है ना नीचे की तरफ, वो सारी सी सैंड है, मतलब जो रेती होती दरिया टाइप की वैसी सैंड है। मतलब ये सिग्निफाई करती है कि यहाँ तक पानी ज़रूर पहुँचता होगा मानसून में, एंड किनारे की तरफ में भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो शायद वहाँ कोई रिजॉर्ट या होटल का सीन होगा। एंड आगे की तरफ डेफिनेटली पानी दिख रहा है, तो कंटिन्यू करते हैं वहाँ तक। राइट गाइस, सो नाउ इट्स समर वेकेशन टाइम, एंड लुक एट द क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है यहाँ पे। इवन जगह अभी काफ़ी सारी है, बट लोग इन्जॉय कर रहे हैं डेफिनेटली। ये पानी काफ़ी चिल है यार, मतलब जो एयर आ रही है वो डेफिनेटली फील हो रही है मुंह पर, एंड लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे हैं बहुत सारे, डूड एक नंबर वाइब आ रही है। एंड वहाँ एकदम थ्रू ऑफ द एंड कुछ बहुत सारे टावर्स खड़े, मे बी वहाँ कोई रोप ब्रिज है, इतनी दूर से मैं दिखाई नहीं दे रहा लिटिल बिट ऑफ फॉग की वजह से, बट डेफिनेटली। और पानी की क्लियरिटी देखो मैन, जस्ट लुक एट दैट, एकदम क्लियर पानी है बॉस। काफ़ी टाइम हो गया है ऐसे रिवर के किसी किनारे आए हुए, मतलब सीन एक नंबर। अभी चलते हैं अंदर, भी इंजॉय करेंगे थोड़ा सा, एंड डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। एंड यहाँ पर लगे हुए बहुत सारे टेंट, और ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है अगर आप पानी से थक भी जाते हो
इंजॉय करके तो डेफिनेटली आप यहाँ रेस्ट कर सकते हो। अगर फैमिली से कोई है जो थोड़ा एजेड है तो डेफिनेटली आपको यहाँ छाँव मिल जाती है अंदर, तो वहाँ आप बैठ के स्टे ले सकते हो, खाना खा सकते हो, लंच कर सकते हो अपना। डेफिनेटली ये एक अच्छी काफ़ी चीज़ बनाई है धूप से बचने के लिए। एंड कुछ ऐसा सा नज़ारा है यहाँ का, तो ये बीच यहाँ पर काफ़ी फेमस है। काफ़ी कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पब्लिक आती है, टूरिस्ट आते हैं इस चीज़ को इन्जॉय करने के लिए। एंड ऑल्सो मानसून में ये चीज़ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाने वाली की, बिकॉज जो वाटर है वो वाटर का सर्फेस और ऊपर तक चला जाता है, तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है देखने के लिए। एंड ऑल्सो जो मानसून सीज़न है उसमें और ज़्यादा हो जाता है क्राउड यहाँ पर। कभी तीनों इन्जॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इन्जॉय करो इस प्लेस को वर्चुअली हम तीनों के साथ। लेट्स गो गाइस। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.